वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ कराची फिश मार्केट। तो वहाँ पे हम चल के देखते हैं एक मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ, झींगे, केकड़े और अजीबोगरीब मछलियाँ और उनके रेट। तो आइए मेरे साथ, लेट्स गो। ऊपर जाल रखा हुआ है, पापलेट वगैरह छोटी पापलेट ठंडी में भाई क्या हिसाब दे रहे हैं? छोटी पापलेट भाई कौन सी मछली है भाई? ये दलिया है। और दंडिया क्या रेट चल रहा है भाई यहाँ पे? दंडिया का रेट क्या चल रहा है? 300 रुपये किलो। इसमें बड़ा छोटा है ना, ये 400 रुपये किलो, ये 300 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। सही है, ये बड़ा दंडिया 900 रुपये किलो। कौन सा चैनल? यूट्यूब पर है ब्रांड के, यूट्यूब पर पिछली लिख रहा आ जाएगी आज की तारीख में। पिछली बोले तो आए, हाँ आज की तारीख। ये क्या मैया है भाई? मैया ये वो मशीन का सौदा हो चुका भैया, ये साफ कर दिया, धो दिया आपने। तो ये बहुत बड़ा बाजार है मछली का कराची का। इस टाइम पे शायद माल आ रहा है, उतर रहा है अभी। क्या भाई झींगे ये मिल रहे? देखिए हाँ भाई, क्या टाइगर है? कौन सा है? ये जेरा जेरा। ये क्या हिसाब चल रहा है? ये 1400 रुपये का फ्रेश है। सफ़ेद माल जो होता है इसमें जितना वाइट होगा उतना ज़्यादा फ्रेश होगा। बाकी हवा भी हमारे पास है, कड़ाही पिन कहलाता है, 1100 रुपये किलो है। ये बर्फ का कहलाता है, एले का दिखाइएगा भाई साहब। दो दाने एले के मिल गए। ये एले का कहलाता है, बिल्कुल फ्रेश है। हाँ ये कड़क है ना, ये ज़्यादा बर्फ में रखा हुआ है। लॉबस्टर वाले क्या रेट है इसके? 3500 रुपये। 3500 रुपये के जी? हाँ 1 kg 3500 रुपये। सही है, लॉबस्टर का रेट चल रहा है। और इसका बताइएगा? इसका 1100। 1100 रुपये इसका रेट चल रहा है। और ये छोटा झींगा होता है शिकारी का वाला, शिकार ये बर्फ का, लेकिन ये भी 550 रुपये का रेट चल रहा है। 550 रुपये का रेट। सही है, चलो ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। झींगा है, मछली मैया जो है, स्क्विड, स्क्विड बहुत ज़्यादा पकड़ के लेके आए हैं। ये केकड़े हैं, कैसा चले केकड़े? 1200 रुपये किलो। 1200 रुपये किलो ये केकड़ा जो है, 1200 रुपये किलो। कौन जो है तो ये आखिर सबसे बड़ा लॉबस्टर, बड़े साइज का लॉबस्टर। झींगे का बाजार चल रहा है सर, झींगा लाला, वो झींगा लाला हो रहा है अभी सर कभी। और ये सब क्रैब्स पकड़ के लेके आओ, देख रहे हैं भाई। क्या है सारा केकड़े वाला जो है?
केकड़े क्या हिसाब है? 120 रुपये किलो। बहुत छोटा साइज नहीं है ये? 300। ये 300 है और 120। और क्या बोले, इससे बड़े साइज भी नहीं होते? 1500 रुपये किलो। अच्छा, ये 1500 रुपये किलो। 1500। ये बिल्लू है? सही, बिल्लू है। ठीक है सर। अच्छा, मैया का रेट बताने है, स्पीड जो है ये रखी हुई है, मैया का रेट बता बेटा क्या है? 1100 रुपये किलो। 1100 रुपये किलो बता रहे हैं भैया। ये शिकार विकार पे लोग जाते हैं, वो लोग ये मैया खरीदते हैं। सही है, छोटे छोटे ऐसा साफ करो, ऐसा खाओ, इसका जायका बहुत है। ये सारा बहुत ठीक है बता रहे, छोटे केकड़े का टेस्ट ज़्यादा है। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे गया ऐसा पानी जा रहा है, तो उससे पहले बढ़िया चीज़ है यार, ये क्या चीज़ है? हाँ भाई, कंगा है, कौन सी है? ये चिंड है। चिंड है, क्या हिसाब है? ये 350 रुपये किलो। देख उठा के दिखाना जरा एक। फाइनली यहाँ बहुत शोर है, हम आ चुके हैं यहाँ पे मछली बाजार। रेड स्नैपर, इसे क्या रेट है? इसके हीरा है ना, हीरा। और इसके कुल जो है 480 का ब्लैक कौन के होता है। वही वीडियो बनाने आया था जिसकी, तो मुझे बताई गई ये, इसके तो रेट में ले लिए थे भी है। ये काला कौन है? हाँ, ये काला कौन है, इसमें वाइट भी आता है। सही है, ये डोरी का मछली है, हेले का। सही है, ये 24 घंटे के अंदर पकड़ के लेकर आते हैं। ठीक है, ये बड़े रांचों का मछली नहीं है। सही है, ये ताज़ा मछली, जाल से पकड़ा हुआ है? नहीं, ये डोर से पकड़ के लेकर। सही है, ठीक है। ये छोटे ओड़ों के किश्तियों की माल। सही है, ये इसका रेट चल रहा है 500 रेट चल रहा है। ये हीरा है? जी हाँ, रेड स्नैपर, इसको इंग्लिश में रेड स्नैपर बोलते हैं। सही है, बिल्कुल सही। 1300 रुपये रेट है हीरा का, रेड स्नैपर। जी, असल हीरा ही है, असल हीरा स्नैपर बोलते हैं। और बिल्कुल फ्रेश है, आप देख सकते हैं, स्पोर्ट भी होता है। सही है, ये बाहर स्पोर्ट भी होता है। जी, ये डोरी का पहचान ही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये डोरी का मछली। ये भाई ने खुद निकाला, डोरी करके लाते हैं। ये पहचान यही है, डोरी की मछली। इसका नाम क्या है इस मछली का? ये इसको उलड़ी धोतर बोलते हैं, इसको उलड़ी धोतर। हाँ, ये उलड़ी धोतर होते हैं, दुकानदार ले जाते हैं, वाटर पंप बड़े बड़े दुकानों में जाती है। जी, मछली सही है, अच्छी ताज़ा मछली है। ये मुल्ला? ये मुल्ला है, ये सही है। ये आपको पड़ेगा 1200 रुपये किलो। जी सही है, माशाल्लाह, ये भी फ्रेश माल है, ये भी डोर का मछली है। गंदिया इसको माल को देखो, क्वालिटी देखो भाई। जी हाँ, माल की खूबसूरती कितनी है, बिल्कुल जबरदस्त है, फ्रेश है, फ्रेश माल है बिल्कुल। यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर लोग आते हैं दूर दूर से लोग। सही है, मच्छी अच्छी मिल जाती है, ताज़ी फ्रेश मिल जाती है दुकानों में आपको, बड़े रांचों की मच्छी मिलेगी। जी हाँ, वो किसी काम की नहीं होगी। यहाँ पर
ग्राहक ले जाते हैं सही है, खुश होकर मुठियन होकर। यहाँ पे कौन सा ऐसा टाइम है जिस टाइम पे आना बिल्कुल सही टाइम होता है आने का? आने का टाइम है 3 बजे का, रात 3 बजे नहीं दिन के, दोपहर को 3 बजे। अच्छा अच्छा, डोरी की मच्छी चालू होती है 3 बजे। सही है। फिर रात के यहाँ पर कोस्टर मंडी चालू हो जाती है। सही है। ये और माड़े से गढ़ाप से मच्छी आती है यहाँ। सही है। वो कोस्टरों में आती है यहाँ। सही है। वो बड़े लांचों की मच्छी होती है। ठीक है। पीछे जो है गुजे की लांचे होती है, बड़ी बड़ी लांचे वो आती है यहाँ पर। वो कम से कम महीने में आती है, 1.5 महीने में आती है। वो बड़े बड़े लांचों की मच्छी, वो तो भर भर के ले आते हैं। ये तो 24 घंटे के अंदर ले आते हैं, फ्रेश मच्छी होती है। सही। ठीक है, थैंक यू। नहीं बहुत ब्राइट फ्लेम्स नाम है। ब्राइट फ्लेम्स यूट्यूब चैनल चाय पे मेहरबानी। ब्राइट फ्लेम्स वेब टीवी या यूट्यूब चैनल है? यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्लेम्स। अच्छा, मुझे अब यहाँ पे आना। ओके, सो ये जो है ये मुश्का है। आप इसका बताना है, इसका मुश्का का 600 रुपये किलो रेट है इसका मुश्का का। ये कौन सी पापलेट है? काला पापलेट। अच्छा, क्या रेट चल रहा है काला पापलेट का रेट है? ये काला साइज का हिसाब होते हैं, बड़ा साइज का अलग रेट। जी हाँ, ये समझो 500-600 ऐसे ही चल रहे हैं। 500-600 साइज के हिसाब से रेट होता है इसका, जितना बड़ा होता है रेट बढ़ता जाएगा। सही है। कोई मच्छी में छोटा होता है रेट बढ़ता है, कोई मच्छी में बड़ा होता है रेट बढ़ता है। रेट ज़्यादा होता है। सही है। ये कुन की कलेक्शन करी हुई है उन्होंने। ये सारा सफ़ेद कुन है, काला कुन है? काला कुन। काला कुन इसका क्या रेट चल रहा है भाई? 500 रुपये किलो रेट चल रहा है काले कुन। बस पे उंगली लगा दो, याद लेगा ना तो वो। सलाम अलैकुम भाई जान, इसका रेट बताएं क्या रेट? ये पैरेट फिश है, ये क्या रेट चल रहा है इसका? ये 550। 550 रुपये किलो। ये किस्सा है कौन सा? ये वो है नकली की सड़। अच्छा, ठीक है। इसका क्या रेट चला रहे हो आप इसका? ये भी 550। ये कुकड़ है तो सीधा करके दिखाएंगे आप। इसका कुकड़ क्या रेट चला रहे हैं? ये 450। 450। ये सोल मछली है, ये जो कीचड़ वीचड़ ज़्यादातर ये जो मट्टी होती है वहाँ पे आ जाती है सोल मछली। इसके कबाब बहुत अच्छे बनते हैं सोल मछली। क्या हिसाब है सोल मछली? सोल 350। 350। सही, ठीक है, शुक्रिया। अब बस हम जा रहे हैं आगे की तरफ। गंगिया का स्टॉक रखा हुआ है यहाँ पर, वही हीरा मछली, बस हीरा मछली गंगिया। और ये हीरा का स्टॉक रखा हुआ, ये काला पापलेट है। और ये किस्सा यार, ये काला पापलेट क्या है साल भाई? ये 1000 रुपये किलो चल रहा है। और ये जो किस्सा है बड़ा वाला है 1300 रुपये किलो। जिसर का रेट 1300 रुपये। आप साइज देख सकते हैं, एक साइज उठा के दिखा सकते हो उसको। अब साइज आप देख सकते हो, फुल बड़ा साइज है इसका। फ्रेश माल है हीरा का, बिल्कुल। हीरा का रेट बताना बेटा, इसका क्या रेट है हीरा का? हीरे का रेट चल रहा है 1250। 1250 है, बिल्कुल फ्रेश लग रही है। ओके, भाई इसका बताएं।
1000 रुपये। इसका क्या नाम, नाम क्या है इसका? रोता रे, रोता दे रही है 1000 रुपये किलो है रोता ये। और ये दंधिया का इन्होंने लगाया हुआ कलेक्शन, बहुत ज़बरदस्त दंधिया लग रही है साल भर। तो दंधिया क्या हिसाब है? 850 किलो सब फ्रेश माल आया हुआ है। और ये बता रहे हैं 3 बजे आके आप फ्रेश माल आप देख सकते हो यहाँ पर आके। ये भी दलिया ही है। और फिर इसका साइज़ छोटा है तो उसका रेट थोड़ा कम हो गया इसका दलिया। यहाँ पे टून का इन्होंने लगा हुआ है, जबरदस्त साइज़ है टून का भाई यहाँ। और इसका रेट ऑलमोस्ट इसका रेट पता है आपको? 500 रुपये किलो बता रहे हैं। ये काला कुंड है, सही है, सफ़ेद कुंड नहीं आता इसमें, वहाँ पर रखा है। और ये काला पापड़ इसका रेट क्या रेट चाहिए? 1000 रुपये किलो। बाकी हीरा के इन्होंने बहुत बड़े, बहुत अच्छा 450 रुपये रेट है। और अच्छा कैच है इनका, बड़ा बड़ी मछलियाँ इन्होंने वहाँ पर रखी हुई है, अच्छी साइज़ है। ये सब फ्रेश माल सब आया हुआ है। और इस टाइम पे आके आप परचेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा माल मिला है आपको। यार सुरमई नहीं है भाई, सुरमई ये टूना है। टूना है क्या रेट बता रहे? 350 रुपये किलो टूना है ये। कैच और फ्रेश माल है। और सुरमई मुझे नज़र नहीं आ रही यहाँ पर। हाँ एक गाना है काला बापू को सुरमई का रेट बताइए जी। सुरमई का रेट बताए क्या? 2000 रुपये किलो। 2000 रुपये सही है। एक डोली का दाना है, एक फ्रेश माल। डोली का दाना बता रहे मछलियाँ मुझे फ्रेश हो जाती है। ये कौन सी मछली है भाई? ये चकोरी है सर। चकोरी मछली है ये। क्या रेट है इसका? ये सर 400 रुपये किलो है। 400 रुपये किलो, बहुत अच्छी प्यारी सी मछली है, देख सकते हैं आप। बहुत खूबसूरत मछली है, इसके कलर्स बहुत प्यारे हैं, नीचे से येलो है ऊपर से पिंक है। चकोरी 400 रुपये यहाँ से। तो मैं कोई क्योंकि खा गया था। मूल्य का भाई बड़ा ज़्यादा है, क्या सब चला रहे हो? 850 रुपये किलो है मूल्य। बड़ा भी दाना देख सकते हो माशाल्लाह से, बहुत बड़ा दाना है। हम लोग यहाँ पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छी मछली यहीं पे मिलती है कराची खुशी। ये कौन सी मछली है? ये मुई। मुई है। एक गाना उठा के दिखा सकते हो उसको? 750 रुपये किलो। उसकी आँख चेक कर सकते हैं, इसकी आँख आप देखो फ्रेश डिफ्रेंस है। बाकी कौन है कौन का तो आपने आपको बता चुका हूँ। यार ये कौन सी मछली है भाई? रामस है। एक उठा के दिखा दो मेरा, रामस है। और ये क्या हिसाब चलती है? 900 रुपये किलो है रामस। अच्छी मछली है ये। चाइना चाया मछली। अच्छा बड़ा बोल सा पूछा इस मछली का क्या नाम है? ये जो अमरोज़ है, ये कहाँ से पकड़ी जाती है? ये किस जगह से पकड़ते हैं मछली वाली? समंदर से पकड़ते? नहीं, समंदर में कोई ख़ास जगह ऐसी कोई? इलाकों से आते रहते हैं। ये कहना है कि ईरान के बॉर्डर के पास से या दूसरे दरवाजे से बॉर्डर के लिए आते हैं, गवादर की साइड से।
वहाँ पर मगरा वगैरह नहीं है शार्क जो है? शार्क वगैरह मंडी है नहीं मानी नहीं। अच्छा वहाँ होने की वजह ना भाई लेडी फिंगर क्या हिसाब दे दो 600 रुपए किलो। वाइट मुँह है, काला मुँह उधर पड़ा हुआ है। काला मुँह उधर है, वाइट मुँह उधर है भाई। आप बताएं ताज़ा माल है इनका? अच्छी बात है यार, ताज़ा माल। ये वही पार्किंग के रामस है जी। जी रामस है, इसके छोटा सा है रामस। यहाँ पे फ्रेश मछली की है पहचान होती है। मैं आपको फ्रेश मछली की पहचान बताता हूँ। उसकी एक आँख का कलर वाइट होना चाहिए। दूसरा, अगर आप उसको दबाएं, जैसे ये आप दबाएं तो उसमें गड्ढा नहीं होता इसके अंदर। और मछली जो है वो अपनी उसमें सीधी रहती है। अगर मछली लटक जाए तो मतलब ये माल पुराना है थोड़ा। तो ये थोड़ा सा मुझे फ्रेश माल जो है सो आया हुआ यहाँ पर। और भाई को भी देख लिया भाई। ये मुश्का कैसा सुना है? वाले सलाम, क्या चल है? हाँ विजिट कर रहे हैं। ब्राइट फ्लेम्स यूट्यूब चैनल। ये भाई हमारे साथ हैं, हमें गाइड कर रहे हैं सारा, बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं। तो यही काला पापड़ी लेके आए हैं यहाँ पर, और ब्लैक पापड़ी से कहते हैं। तो ये किससे कहना है सोच लिया भाई? धोता रहे, बड़ी धोता रहे। हाँ सही है। अच्छा ये क्या हिसाब चल रही है धोता भी? इस 1100 रुपये किलो। और ये छोटा सारम जो है ये मुश्का है? मुश्का है। ये 700 रुपये। 700 रुपये साइज के हिसाब से? साइज के हिसाब से जी। हाँ तो शुक्रिया। तो भाई बहुत अच्छा यहाँ पे मार्केट से लेके चल रहे हम लोग, और बहुत अच्छी मछलियाँ इस वक्त आई हुई हैं। और टाइम भी बताया 3 बजे आप आए यहाँ पर, दोपहर के 3 बजे। तो यहाँ पर फ्रेश जो माल पकड़ा होता है वो लेके आए हुए थे यहाँ से। ईरानी मुश्का लेके आए हुए हैं। और भाई यहाँ पे सेल करें, क्या रेट भी बता दें? वैसे तो जब माल ज़्यादा हो तो ये हम 350-400 में देते हैं। सही है। अब माल शोर होने की वजह से इसका रेट 700 रुपये, तो जो गाँव घूम रहे खरीदार सही है, अब नहीं कर पा रहे महंगाई की वजह। हाँ वही बात है, मछली हमारी रुकी है, हम खड़े वो भी खड़े। बिल्कुल 20 रुपये में काम कर रहे हैं, ग्राहक कह रहे हैं कि 200 रुपये नीचे। बिल्कुल क्या पूरे करें। बिल्कुल हमें 600 नहीं बोले ना, मुझसे देंगे सही 26 रुपये लॉस पे देंगे। हाँ बात तो करें ना, बोलते 400। सही बात है, माल क्या बात करेंगे। हाँ बोले बात करनी चाहिए, बात करेंगे तो फिर माल बिकेगा। बहुत से कस्टमर आए और हमसे वैसे ही चलेगा, हमारा भी दिल्ली तक जाए। सही बात है, उसका कुछ तो लेंगे हमसे। बिल्कुल हाँ। तो भाई ये इनका कहना है कि इनका ख्याल रखें, आप इनसे बात करें तो ये माल आपको बेचेंगे, क्योंकि बेचने के लिए आए हुए हैं। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है इन्होंने। ये कौन सी मछली? रामस है? ये भी मुश्का है, ईरानी मुश्का। ये छोटा सा है, बहुत अच्छी मछली। अल्लाह ताला इंशाल्लाह बरकत देगा आपके काम में। सोल रखी है, दलिया के दाने, और ये कुकर मछली रखी हुई है, कुकर की कलेक्शन की हुई है। और ये तो सफ़र कवर हो गया हमारा काफ़ी। हाँ खग्गा रह गया यार, ये कग्गा रह गया, इसका कांटा बड़ा खतरनाक हो गया। हाँ कग्गा है ना ये? अच्छा यहाँ पे इसका क्या रेट चल रहा था कग्गा? 450 रुपये। मतलब ये वो मछली है जो शादी ब्याह वाले जो है ना, शादी वालों में सबसे ज़्यादा जाती है कग्गा जो है। ऐसा कांटा मेरे ख्याल में तोड़ देते हैं लोग बहुत। हाँ दर्द जाता नहीं है तो कांटा तोड़ देते हैं, लगा नहीं देते हैं। नहीं अभी तोड़ा हुआ है क्या? लगा हुआ है, दिखा सकते हो कांटा उसका भाई? कांटा दिखा दो मुझे। इसका कांटा बड़ा खतरनाक, जब आप माल लो तो ख्याल रखो कांटा नहीं लगे। ये लग गया तो 3 दिन बिस्तर पे सोना पड़ेगा। बहुत चक्कर आके बंदा गिर जाएगा भाई। है
जिसका भाई आपको कांटा दिखा रहे हैं, इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। एक इस तरफ है, ये अगर पाँव में घुस जाए तो अंदर से फिर ऑपरेशन से वापस निकल जाए, ऐसे ही नहीं निकलता, पूरा गोश्त काट के निकालना पड़ता है, जिसको लगे वो जमीन पे लेट जाता है। इसको जला दिया, पेट जलाया, अच्छा, उसके बाद उसका जहर निकला, जहरीला कांटा है, जहरीला कांटा बहुत। मतलब इसका इलाज क्या, इसको लग जाए तो क्या करें? इंजेक्शन लगवा लें, फोन इंजेक्शन लगवा, कांटा निकलवा लें, कांटा निकलवा, कांटा वैसे नहीं निकलता इसका, नहीं वैसे नहीं निकलता, चीरा लगा के फिर निकालना, बहुत बारीक कांटा टूट जाता है। सही, इसको लगा 3 दिन मस्त उसकी छुट्टी है, मैंने भी खाया है, ये मेरा छोटा भाई है इसने भी खाया है, इसने भी 4 दिन रेस्ट किया, मैंने भी रेस्ट किया 4 दिन, ये अक्सर लगता रहता है यहाँ के वर्करों को, तो उसको उठाते मार। ये कौन सी मछली है यार? ये पाम फिश है। पाम है, लोग इसे सांप समझते हैं लेकिन ये पाम है। सही है, ये 700 रुपये किलो, ये साइज 150 रुपये, वो साइज 300 रुपये, इसके साइज के रेट है, जितना बड़ा होगा उतना रेट ऊपर होगा। सही है, ये पाम कहाँ खाई जाती है, कौन खा रहा है? ये पंजाब में खाई जाती है, गर्म इलाज, ठंडे इलाकों में ये बहुत गर्म मछली, गर्म मछली है, कांटेदार है लेकिन गर्म बहुत है, गर्म बहुत है, इसकी तासीर बहुत गर्म है। एक और देख लेते हैं, तो हमारा ऑलमोस्ट आज का विजिट कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छी से सजा के रखी है मछलियाँ, आप देखें किस तरह की सजाई है, भाई ने मेहनत करके रखी हुई है यहाँ पे, अच्छा लगता है इस तरह से सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं। ये टूना है, टूना ने रखी हुई है, और यहाँ पर हीरा के जो है, आई थिंक हीरा ही है, रेड स्नैपर, इसके बड़े दाने उन्हें रखे हैं भाई ने। कैसा चल रहा है भाई? ये 1000 रुपये, 950 रुपये, 1000-950 रुपये दे देंगे आपको, बहुत ज़बरदस्त मछली लग रही है, अच्छे साइज है इनके पास। सो गाइस, हमारी वीडियो बड़ी यहाँ की मुकम्मल हुई है, जितना था मैं कवर कर सकता था मैंने कर लिया, मैंने सोचा कि यहाँ पर शार्क या ब्लू जो दूसरी मछली है बड़ी स्टिंगरे और ये नज़र आ जाए, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आई स्टिंगरे वाला, तो अगर वो नज़र आई थी तो बड़ा अच्छा होता, और हमारा सेलिंग फिश भी नज़र नहीं आई, तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।